आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर शिव की नगरी सिवनी के समीप बहने वाली पुण्य सलिला माता बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर ब्राह्मण समाज के द्वारा श्रावणी पर्व का आयोजन किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। मंत्रोच्चार के साथ यहां ब्राह्मण समाज के सभी सदस्य जुटे। अधिकांश ब्राह्मण समाज के सदस्य यहां पर एकत्र हुए और उनके द्वारा श्रावणी उपाकर्म पर्व में आसपास के जिलों के सैकड़ों ब्राह्मण भी इस अवसर पर सिवनी पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिला ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु भगवान शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की प्रेरणा से हर साल के अनुसार इस साल भी श्रावणी उपाकर्म पर्व शास्त्रोक्त विधि विधान से संपन्न हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पवित्र बैनगंगा घाट लखनवाड़ा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के का ब्राह्मणों का मुख्य पर्व श्रावणी एवं संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ। विधि विधान में सर्वप्रथम तीर्थ स्नान, पंचगव्य प्राशन, हिमाद्री संकल्प, दशविधि स्नान, सूर्योपस्थान, ऋषि पूजन, नूतन ज्ञान यज्ञोपवीत पूजन और धारण, देवर्षि पितृ तर्पण, प्राणायाम आदि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया गया। ब्राह्मणों के ब्रह्मा वर्चस्व संवर्धक इस वैदिक कार्यक्रम में विद्वान संस्कृताचार्य पंडित जानकी वल्लभ मिश्रा, विद्वान आचार्य पंडित सनत कुमार उपाध्याय, पंडित महेंद्र मिश्रा, आचार्य सोनू महाराज, जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिलीप तिवारी, पूर्व अध्यक्ष पंडित ओम प्रकाश तिवारी, जिला संयोजक पंडित अजय मिश्रा, नगर अध्यक्ष पंडित अशोक तिवारी, पंडित विजेंद्र शर्मा नागपुर से आए थे, इनकी उपस्थिति में विशेष रूप से यहां पर उपस्थिति उल्लेखनीय रही। आचार्य सनत कुमार उपाध्याय ने सैकड़ों की संख्या में एकत्रित ब्रह्मनिष्ठ विप्रजनों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रावणी पूर्णिमा विशुद्ध वैदिक पर्व है। दुर्भाग्य से वेदों में निहित वास्तविक ज्ञान का आधुनिक युग में लोप बढ़ता जा रहा है, जबकि आज सारा विश्व ये मान चुका है कि पृथ्वी में मानव अस्तित्व को बचाने के लिए वैदिक जीवन पद्धति अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आप इसके उपरांत यहां पर इस कार्यक्रम में पहुंचे ब्राह्मण निष्ठ विप्रजन पंडित विजेंद्र शर्मा नागपुर, ललित दुबे गोटगांव, रुद्राक्ष तिवारी छत्रपाल शर्मा इसरा उमरिया, प्रकाश तिवारी छिंदवाड़ा, अनुराग तिवारी छिंदवाड़ा, दीपक भार्गव कुंडा, प्रदीप मिश्रा कुंडा, राजा राम दुबे छिंदवाड़ा, अभिषेक दुबे अवरवाड़ा, सिवनी जिले के पंडित रामफल तिवारी, पंडित रूपराम तिवारी, अरुण दीक्षित, आशीष शर्मा, आशीष त्रिवेदी, पार्थ, सतीश दुबे, ओम दुबे, प्रेम कृष्ण तिवारी, पुरुषोत्तम तिवारी हतनापुर, आशीष दुबे त्रिवेदी, देवांश दुबे, अनुज तिवारी, आदित्य भार्गव, आदित्य शर्मा, हर्ष तिवारी, नीरज तिवारी, सत्यम मिश्रा, सौम्य दुबे, जितेंद्र तिवारी, संकल्प शुक्ला, शिवम शुक्ला, सतीश दुबे, दुर्गा प्रसाद तिवारी, लोकेश चौबे, सौरभ चौबे, कान्ना दुबे सहित सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ब्राह्मण संप्रदाय के विप्रजन पहुँचे। ब्राह्मणों के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सुचारू व्यवस्था बनाने में लखनवाड़ा के नागरिकों में मनीष बघेल, शिवशंकर बघेल, मंगल सिंह बघेल, निक्की बघेल, सतीश बघेल, संदीप सोनी आदि का
महत्वपूर्ण योगदान रहा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। श्रावणी पर्व सानंद संपन्न हुआ, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, पुण्य सलिला बैन गंगा के लखनवाड़ा के तट पर शिव की नगरी के समीप से ही उद्गमित हैं माता बैन गंगा और माता बैन गंगा का तट लखनवाड़ा तट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हूँ तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।